Hello everyone, I am Namit Kumari, welcome you all on my channel Commerce Hurricanes. As you know that we are doing retirement of partner topic, and in that today we will discuss about the accounting treatment of reserves and accumulated profits. देखिए reserves and accumulated profits होता क्या है, जब firm काम करती है तो काम करने के बाद जो भी profit उसे earn होता है उस profit का कुछ हिस्सा वो बचा के रखती है, ठीक है, वो सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, उसका कुछ हिस्सा बचा के रखती है ताकि फ्यूचर में अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है या कोई लॉस क्रिएट होता है तो उस टाइम पर पैसे की नीड हमें पड़ती है और वो पैसे की ज़रूरत हम उस रिजर्व से फुलफिल कर लेते हैं, हमें किसी बाहर के पर्सन से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अब जब पार्टनर तीन या चार लोग अगर बिजनेस चला रहे हैं, पार्टनरशिप में हैं, उनमें से एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला गया, तो सिंपल सी बात है कि वो जाने के टाइम अपने मेहनत से कमाए हुए सारे प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स में हिस्सा लेके जाएगा, क्योंकि अब वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, अब आगे वो किसी भी चीज़ में हिस्सा नहीं लेगा, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता, प्रॉफिट में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन जो रिजर्व आपने बचा के रखा है पिछले कई सालों से, जब से वो पार्टनरशिप में आया था तब से आपने जितना भी प्रॉफिट बचा के रखा उसमें से जो रिजर्व आप रख रहे थे, तो ऑब्वियसली उसमें रिटायरिंग पार्टनर का भी तो हिस्सा बनता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी पुरानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो रही है और नई बनेगी उससे ठीक पहले हम क्या करेंगे, जितने भी रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स हमारे पास पड़े हैं या लॉसेस पड़े हैं उन सबको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बात समझ आई है? तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फर्स्ट लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा किया हुआ, बहुत सारा रिजर्व जब आप इकट्ठा करते रहते हो ना कई सालों का, उसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब सिंपल सी बात है, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स क्या होते हैं, ये क्रेडिट बैलेंस होते हैं, क्योंकि हमारा रूल कहता है क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, है ना। तो ये क्रेडिट रूल, क्रेडिट चल रहा है, अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप तो क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है जब भी किसी चीज़ को, हमेशा हमें अपोजिट साइड में जाना होता है, यानी कि डेबिट साइड में, क्रेडिट का उल्टा डेबिट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, रिजर्व्स एंड दिस रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, देखिए मैंने डेबिट किया है क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस था, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम उल्टा करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट कौन से वाला, क्रेडिट बैलेंस वाला, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में मेंशन होता है वैसे तो कि पी एंड एल का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट है कि डेबिट है, अगर मेंशन ना हो तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही लेकर चलना है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस वाला ही लेना है। यहाँ पर किसको बांटना है, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। अब करेंट अकाउंट कब यूज़ करना है, अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए दैट द पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल, तब आपको करंट अकाउंट लिखना है एंट्री में। बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं और नंबर डिडक्ट हो जाते हैं उनके। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तब लिखना है अगर सिंपल कैपिटल के बारे में या सिंपल पार्टनर्स की बात की है, लेकिन अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल वर्ड आ गया तो हमेशा करंट अकाउंट से एंट्री करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ accumulated losses। देखिए ज़रूरी नहीं है कि फर्म में हमेशा प्रॉफिट ही होगा, कई बार हमें लॉस भी हो सकता है, तो अगर फर्म को लॉस हुआ है तो लॉस में भी हिस्सा उस पार्टनर को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। लॉस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है ना, अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसको डेबिट करना है, डेबिट होता है, ख़त्म करने के लिए इसको क्रेडिट में लेके जाएंगे, तो एंट्री क्या बन जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन से वाला प्रॉफिट, विच हैज़ डेबिट बैलेंस, ठीक है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है ये भी बहुत मायने रखता है, ओल्ड रेशियो हमेशा ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक
रिजर्व। देखिए फर्म के पास दो तरह के रिजर्व होते हैं, एक होता है जनरल रिजर्व, एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व का मतलब वो रिजर्व जो आप फ्यूचर में किसी भी तरह के काम में यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब होता है ये वो रिजर्व है जिस रिजर्व को आप सिर्फ स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। मतलब कि अगर आपने रिजर्व बनाया इन्वेस्टमेंट के लिए तो वो रिजर्व सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होगा, किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकता। तो ऐसी चीज़ को हम स्पेसिफिक रिजर्व कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक रिजर्व पड़ा है तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है उसी के नाम के साथ। तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, रिजर्व के क्रेडिट बैलेंस होते हैं ख़त्म करने के लिए डेबिट साइड लिखेंगे, तो एंट्री बन जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, अगेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में करंट फिक्स्ड वर्ड दिया हुआ है तो करंट अकाउंट, ठीक है। किस में, ये भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। एंट्रीज समझ आ गई कैसे बनी है। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो एंट्रीज याद करने में आसानी रहती है। हम एक एग्जांपल से करते हैं। एग्जांपल में कहा गया है पी क्यू आर आर पार्टनर्स इक्वल पार्टनर्स हैं। इक्वल का मतलब तीनों को बराबर शेयर मिलेगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग 1:1:1 हो जाती है, ठीक है। तीन लोग हैं इसीलिए मैंने 3x1 लिया है। आगे वो कहता है क्यू रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, ये पर्सन रिटायर होकर चला गया, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट फर्म हैज जनरल रिजर्व, जब वो रिटायर होता है तो फर्म के पास जनरल रिजर्व पड़ा है 30,000 का और प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है 60,000 का। कौन से वाला, क्रेडिट वाला, ठीक है। कंपाउंड एंट्री करनी है पास द जर्नल एंट्री। आपको पता है रिजर्व्स एंड पी एंड एल क्रेडिट बैलेंसेज हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डेबिट कर दोगे, तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए यहाँ ऑल पार्टनर्स नहीं लिखोगे आप। ऑल पार्टनर्स क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास पार्टनर के नेम हैं, ठीक है। अगर पार्टनर के नेम नहीं पता होते हैं तब हम एंट्री में ऑल पार्टनर्स लिखते हैं। कई बार बच्चे यहाँ भी मिस्टेक करते हैं, वो एंट्री ये याद करके चले जाते हैं और एग्जाम में भी ऑल पार्टनर्स ही पुट कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है पार्टनर का नाम है ना हमारे पास, तो हम लिखेंगे पीज कैपिटल अकाउंट देन क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखिए प्रॉफिट जनरल रिजर्व कितना है आपके पास, जनरल रिजर्व है 30,000, प्रॉफिट कितना है 60,000, यानी कि टोटल 90,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1:1, ठीक है। तो बांट दीजिए पी को 90,000 में, शेयर कितना है पी का, 1:3, ठीक है। क्यू का भी उतना ही होगा, आर का भी उतना ही होगा, क्योंकि तीनों को बराबर मिलने वाला है। तो हमने ये कैंसिल किया, 30,000 आ जाता है, तो हमने यहाँ लिख दिया 30,000 एंड 30,000। उसके बाद यहाँ नरेशन आपने लिखनी है, नरेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। क्लियर है, कितना आसान है ना। अब हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ट्राई करने जा रहे हैं वो है स्पेसिफिक रिजर्व से रिलेटेड, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे आपको ना एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, यानी बैलेंस शीट का एक हिस्सा दिया जाएगा, पूरी बैलेंस शीट नहीं होगी, जिसमें कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको 60,000 दिया हुआ है, ठीक है। पी के ओ आर पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग 3:1 है एंड पी के रिटायरमेंट के बाद न्यू रेशो 4:3 बन जाती है, ठीक है। एंड दीज आर द केसेस। देखिए ज़रूरी नहीं है कि सारे केसेस पेपर में आएंगे, कुछ केसेस आ सकते हैं और कुछ केसेस स्किप भी किए जा सकते हैं, बट आपको पूरे केसेस की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है कि जब वर्कर कंपनी में काम करते हैं तो काम करते हुए कभी भी एक्सीडेंट भी हो सकता है या कोई और वजह हो सकती है जिस वजह से वर्कर जो है उसकी हेल्थ को नुकसान होता है और उसका आपको उसे कंपनसेट करना पड़ता है, यानी कि उसका मेडिकल का बिल देना पड़ता है या अगर उसको एक्सीडेंट हो गया तो उसे भारी अमाउंट एज अ कंपनसेशन देनी पड़ेगी। तो हर कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचाती है ताकि
क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, कोई ना कोई एम्प्लॉय कभी ना कभी एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, तो उस टाइम पे हमारे पास पैसा पड़ा हो उसे कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। तो अब ये कहता है कि कंपनी के पास रिजर्व 60,000 का पड़ा है वर्कमैन कंपनसेशन के लिए। अब पहला केस कहता है कि नो इन्फॉर्मेशन। नो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बताया गया कि वर्कमैन कंपनसेशन पे करना पड़ा या नहीं। इसका ये मतलब है कि आप अज्यूम कर लो कि हमें कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ी, ठीक है, यानी किसी भी एम्प्लॉई को आपको कंपनसेट करना ही नहीं पड़ा। तो आप क्या करोगे, ये पूरा का पूरा रिजर्व आप खुद रख सकते हो, क्योंकि वर्कर ने तो कोई क्लेम किया ही नहीं, आपसे पैसा मांगा ही नहीं। तो जब आप इस पूरे के पूरे पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पीकेओआर पार्टनर है ना, तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डेबिट में आ जाएगा। केस वन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल, ठीक है। अमाउंट कितनी है आपके पास, पूरी की पूरी 60,000 आप रख लोगे क्योंकि क्लेम तो कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है, तो पी के हिस्से में कितना आएगा, 60,000 का 3/6 है ना, 3/6 यानी कि 30,000। क्यू के लिए आप क्या करोगे, 2/6 कर दोगे, तो ये कैंसिल होकर आ जाएगा 20,000 एंड 10,000। क्लियर हो गया, इजी है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट केस कहता है कि व्हेन द वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 24,000, मतलब कि वर्कमैन ने क्लेम कर दिया आपके ऊपर कि मुझे 24,000 की पेमेंट कीजिए क्योंकि मुझे आपकी कंपनी में काम करते हुए नुकसान हो गया, ठीक है, या मेरा एक्सीडेंट हो गया, जो भी है। तो आपने क्या करना है, क्लेम आपके पास हो रहा है 24 का, रिजर्व आपके पास पड़ा है 60, तो आप सारा का सारा क्लेम यहां से भर सकते हो ना, समझो इस बात को। रिजर्व 60,000 पड़ा है, क्लेम हुआ है सिर्फ 24,000 का, तो आप ये 24,000 पूरे के पूरे यहां से भर सकते हो ना, तो ठीक है भर दीजिए, और जो बाकी बच गया पैसा उसे आप क्या कर लीजिए, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, क्योंकि 60 में से पेमेंट तो सिर्फ 24 की करनी पड़ी है ना, बाकी का पैसा तो आप ही के पास है। तो एंट्री कीजिए, कैसे करेंगे आप, केस टू, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। देखिए मैं यहां अगर शॉर्ट में यूज कर रही हूं तो आप शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो इसे पूरा लिखना है, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम, ठीक है। रिजर्व आपके पास पड़ा है 60,000, जिसमें से क्लेम आपने किया 24,000, अब बाकी का बचा हुआ दिस माइनस दिस, जो पैसा बच गया वो पार्टनर्स को मिल जाएगा, तो एंट्री बन जाएगी पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितनी अमाउंट बची है, देखिए 60,000 आपके पास था, 24 आपने कर दिया, ठीक है, तो ये बच गया आपके पास 36,000। 36,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, 3/6 रेशियो में, ये कट जाएगा 6 6 36, 6 3 18,000, 6 2 पे जाएगा, 6 2 12,000 एंड 6,000। क्लियर हो गया यहां तक, समझ आ गया सभी को। नाउ लेट मूव ऑन टूवर्ड द केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड हमें कहता है When workman compensation is 60,000, अब आपके पास क्लेम कितना हो रहा है 60,000 का, रिजर्व भी पड़ा है 60,000, अगेन आप अपना ये पूरा का पूरा क्लेम यहां से फिल कर सकते हो, ठीक है, आप यहां से क्लेम भर दोगे, लेकिन आगे आपके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि 60 ही था और 60 ही क्लेम हो गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, केस थर्ड में आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन जितना पड़ा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, आपने पेमेंट करनी है तो आप प्रोविजन बना लीजिए, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम,
ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम देखिए कितना हो रहा है, 60,000, और आपके पास पड़े भी हैं 60,000, तो आप ये पूरे का पूरा क्लेम यहां से भर लेंगे। क्लियर है? अब आपके पास आगे यहां पार्टनर्स के नेम क्यों नहीं आए, क्योंकि पैसा ही नहीं बचा, 60 का 60 पूरा आपने भर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं केस नंबर 4। देखिए केस नंबर 4 हमें क्या कहता है, द पार्टनर हैज वर्कमैन कंपनसेशन 60,000 बट देयर इज अ क्लेम फॉर 75,000। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि मेरे पास रिजर्व तो पड़ा है सिर्फ 60,000 और वर्कनर ने मुझसे क्लेम कर लिया 75,000, तो मैं क्या करूं, क्या करें, पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो ठीक है, पेमेंट करते हैं, 60,000 यहां से भर लेंगे और बाकी का जो पेमेंट बच रहा है, मतलब 15,000, 75 में से 60 यहां से भर लिया, बाकी का जो 15,000 बचा वो ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्यों करेंगे? क्योंकि आपने देखा है कि 15,000 की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है फर्म के ऊपर। वैसे तो लायबिलिटी 75 की क्लियर हो रही है ना, 75,000 आपसे क्लेम किया जा रहा है, यानी आपको पे करना पड़ेगा और जो चीज़ पे करनी है वो लायबिलिटी है। लेकिन आपके पास ऑलरेडी 60,000 का रिजर्व पड़ा था, तो लायबिलिटी तो सिर्फ 15 की बनी ना, तो 15,000 की लायबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इसलिए रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने का वर्कमैन कंपनसेशन है हमारे पास, 60,000 का है। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास है 60,000 का। क्लेम कितना हो रहा है हमारे पास, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन या वर्कमैन क्लेम, कितने का क्लेम हो रहा है, 75,000 का। अब आपको पता है दोनों साइड मैच होनी चाहिए, नहीं हो रही है ना, शॉर्ट पड़ रहा है। कहाँ पर शॉर्ट पड़ रहा है, डेबिट साइड पर। ठीक है, और दूसरा एक तरीका तो ये है चेकिंग करने का, दूसरा तरीका आप जानते हो, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर जाता है ना इंक्रीज इन लायबिलिटी, है ना, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे इसको बराबर करने के लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। देखिए है ना कितना आसान, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ ये ध्यान रखना है, लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि पैसे का कैसे इस्तेमाल करना है। और ये जो रिवैल्यूएशन आपने डेबिट किया, क्यों किया, क्योंकि ये लायबिलिटी बढ़ा रहा है और इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट साइड में आती है रिवैल्यूएशन के। ठीक है, अब ये रिवैल्यूएशन का लॉस जो है सभी पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा, तो इसमें आपका केस 5 के अंदर ए पार्ट था ये, एंड बी पार्ट, ये आपका ए पार्ट था, बी पार्ट रिवैल्यूएशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप। अभी रिवैल्यूएशन कहाँ है, अभी रिवैल्यूएशन डेबिट में है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑब्वियसली अपोजिट साइड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्टनर्स के नेम उठाइए यहाँ से, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितने का लॉस हमें उठाना पड़ा है, हमें 15,000 का लॉस उठाना पड़ा है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कौन सी वाली में, ओल्ड में ही, हर काम ओल्ड में चलेगा, तो ओल्ड रेशियो क्या है, ये वाली। तो अब आप निकाल सकते हैं पी का, क्यू का, आर का, 15,000 के ऊपर 3/6, 15,000 के ऊपर 2/6 एंड 15,000 के ऊपर 1/6, जो भी अमाउंट्स आएंगी तीनों के अकाउंट में डाल देंगे आप। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम इसमें कर रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, जो हम इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं आज की डेट में, सपोज मैंने एक इन्वेस्टमेंट परचेज की, तो ज़रूरी नहीं है कि आज अगर मैंने वो इन्वेस्टमेंट 3 लाख की परचेज की है तो 2 या 3 साल बाद भी उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उतनी ही रहेगी, ज़रूरी नहीं है, वैल्यू बढ़ भी सकती है, वैल्यू गिर भी सकती है, मतलब कम भी हो सकती है,
और वैल्यू सेम भी रह सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब पार्टनर रिटायर होके जा रहा है तो उस टाइम पर हमारी इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू क्या है हम वो चेक करते हैं, ठीक है। अब अगर हमारी वैल्यू कम हो चुकी है इन्वेस्टमेंट की, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक रिज़र्व पड़ा होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व, और जितनी वैल्यू कम हुई है हम वो लॉस उस रिज़र्व से भर लेंगे, ठीक है। ये रिज़र्व इसीलिए बनाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट में अगर कोई वैल्यू में कमी आती है और उससे होने वाला कोई लॉस हो जाता है फर्म को, तो वो फर्म का लॉस यहाँ से फिल कर लिया जाए, ठीक है। तो देखिए इसमें केस क्या है, ये एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट की, यानी बैलेंस शीट का एक हिस्सा आपको बताया गया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व बनाया था 30,000 फर्म ने और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,00,000 है, ठीक है। अब होता क्या है, पहला केस कहता है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, मतलब बताया नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है या कम हो गई है या सेम है, कुछ भी नहीं बताया। अगर ऐसा केस हो जाता है तो सिंपल सी बात है, हम ये अजम्पशन लेके चलेंगे कि मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज भी 5,00,000 ही है, ठीक है। तो वैल्यू में कमी तो कुछ हुई नहीं, इसका मतलब मेरा ये रिजर्व यूज़ भी नहीं होगा, क्योंकि लॉस नहीं हुआ तो रिजर्व यूज़ भी नहीं होगा, तो हम इस रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है, रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम डेबिट कर दोगे तो आपका केस वन बन जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर्स के नेम आ जाएंगे, सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, टू पीज कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल, अकाउंट अकाउंट अकाउंट, ठीक है। कितना रिजर्व है आपके पास, 30,000 पड़ा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशो में, इनकी ओल्ड रेशो में, यानी 3:1 रेशो में, ठीक है। तो आप पी का निकाल लीजिए, 30,000 के ऊपर 3/6 करेंगे आप, तो ये 6 × 5 = 30, 5 × 3 = 15,000 इसका आ जाएगा। अगर आपको Q के लिए निकालना है तो 30,000 पर 2/6 कर लीजिए, ठीक है, 6 × 5 = 30 and 5 × 2 = 10। और उसके बाद अगर R का शेयर निकालना है तो 30,000 पर 1/6 कर लीजिए, 6 × 5 = 30। हो गया डिस्ट्रीब्यूट हमारा पहला, क्लियर हो गया, केस वन डन हो चुका है। केस नंबर टू देखते हैं। केस नंबर टू में कहा गया है कि मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो है 5,00,000। अब देखिए मार्केट की वैल्यू आज की डेट में 5,00,000 है, और जब पहले इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदी थी तब भी 5,00,000 थी, तो क्या वैल्यू में कोई चेंज आया, नहीं आया। इसका मतलब मुझे ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ, तो ये रिजर्व फिर से यूज़ नहीं होगा, क्योंकि लॉस ही नहीं हुआ तो रिजर्व को यूज़ भी कहाँ करोगे, कहीं भी नहीं। तो सीधी सी बात है, रिजर्व कहीं यूज़ नहीं हुआ, कहीं लॉस नहीं भरा आपने, तो वो सारा का सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो केस टू में भी आंसर क्या होगा, सेम एंट्री, कौन सी वाली जो हमने यहाँ की है वही सेम एंट्री आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि हमने इस रिजर्व को सीधा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। केस नंबर थर्ड कहता है कि व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000। अब चेंज हो गया, मार्केट की वैल्यू आज की डेट में 4,88,000 है, तो पहले तो ये चेक कीजिए ना कि आपको नुकसान कितना हुआ। 5,00,000 वैल्यू थी, अब 488 हो गई है, डिफरेंस कितना बन रहा है, डिफरेंस इनका 12,000 बन रहा है, यानी कि आपकी जो एसेट की वैल्यू है वो 12,000 कम हो गई है, आपको 12,000 से लॉस हो गया है। तो अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं होता, सपोज ये नहीं होता मेरे पास, तो जो मेरे को वैल्यू में मेरी इन्वेस्टमेंट की यानी एसेट की वैल्यू में जो कमी आई है वो कहाँ शो हो जाती है, रिवैल्यूएशन में, है ना, लॉस इन, क्योंकि डिक्रीज इन एसेट रिवैल्यूएशन में जाता है। लेकिन अब मेरे पास रिजर्व पड़ा हुआ है तो मैं रिजर्व से ही लॉस भरूंगी ना, ठीक है। तो रिजर्व मेरे पास 30 है, लॉस मुझे 12 हुआ, बाकी का कितना पैसा बच गया मेरे पास, 8,000। वो 8,000 पार्टनर्स को दे देंगे आप, सिंपल, ठीक है। तो एंट्री कीजिए केस थर्ड के लिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट का लॉस भर रहे हैं इसीलिए आपने इन्वेस्टमेंट लिखा, टू पार्टनर का नाम पीज कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में मेरे पास था 30,000, इन्वेस्टमेंट मैंने कितनी भरी है, 12,000 का लॉस मैंने यहाँ से भर लिया।
आगे कितना बच गया, 18,000। वो 18,000 किस रेशो में बट जाएगा, 3:1 में पार्टनर्स को मिल जाएगा बाकी का पैसा। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिए कितना बनता है, 18,000 है ना, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इस रेशो में, तो पी का हिस्सा कितना बन गया 18,000 के ऊपर 3/6, 6 × 18, 3 × 3 = 9,000 इसको मिल जाएगा। इसी तरह क्यू के लिए अगर निकालना है तो 2, तो हो जाएगा 2/6, 6 × 3 = 18, 3 × 2 = 6, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 6,000। एंड देन अगर इसके लिए निकालना है तो रेशो हो जाएगी 1, 6 × 3 = 18, तो ये आ जाएगा 3,000 आर के अकाउंट में। ठीक है, क्लियर हो गया है यहाँ पर। अब नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। केस नंबर 4 कहता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो हो चुकी है 4,46,000। अब थोड़ा सा और ज़्यादा लॉस हमें हो गया कि हमारी पहले वैल्यू थी 5 लाख, अब 4,46,000, बहुत बड़ा लॉस हो गया है। कितने का लॉस हुआ, डिफरेंस करके देखिए, दोनों को माइनस करो, लॉस हुआ 54,000 का। अब ये जो लॉस हुआ है, बिजनेसमैन अपनी पॉकेट से नहीं भरना चाहता, वो देखता है कि क्या उसके लिए मेरे पास रिजर्व पड़ा है। तो उसने देखा, अरे वाह, मेरे पास तो रिजर्व है, मगर प्रॉब्लम ये है कि रिजर्व है सिर्फ 30 का और नुकसान हो रहा है 54 का। तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, जितना रिजर्व में पड़ा हुआ है उससे इसका लॉस भर लो, और अगर आगे जो लॉस बच रहा है वो फिर हम रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे, और क्या करें। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल पार्टनर कभी भी लॉस बियर नहीं करता, अगर कोई लॉस हो रहा है फर्म को तो वो सभी को बियर करना पड़ेगा, ठीक है ना, और सबको बियर करना है तो रिवैल्यूएशन में जाना पड़ेगा। अब एंट्री कैसे होगी, केस नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। केस 4 में कहता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में 30,000 पड़े थे, टू इन्वेस्टमेंट, मुझे लॉस कितना हो रहा है, लॉस मुझे 54,000 हो रहा है, मैंने यहाँ डाल दिया 54,000। दोनों साइड मैच होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है चेकिंग करने का कि आप एंट्री सही कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा तरीका मैंने आपको लॉजिक बताया ही है कि आपको लॉस देखो कितने का हुआ, 54,000 का, जिसमें से आपने 30,000 रिजर्व से भर लिए, तो आगे लॉस कितना बच गया, 24,000। बात समझ आ रही है, 54,000 टोटल लॉस था, यहाँ से इसको माइनस करके 54 आया, उस 54 के लिए मैंने 30,000 तो यहाँ से भर लिए, आगे बच गया 24, वो मैं कहाँ डालूंगी, रिवैल्यूएशन में, क्योंकि ये क्या है मेरा, डिक्रीज इन एसेट, तो मैं यहाँ लिखूंगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना बना है, 24,000 आपने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, ये था केस 4 में ए पार्ट। अब बी पार्ट, जो लॉस आपने रिवैल्यूएशन में डाला है वो सभी पार्टनर्स बियर करेंगे, तो सब पार्टनर्स के अंदर उस रिवैल्यूएशन के लॉस को बांट दीजिए। अभी ये डेबिट में है, बांटने के टाइम क्रेडिट में हो जाएगा, तो पार्टनर्स का नाम आ जाएगा पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कि मुझे ये लॉस हुआ, मैंने रिवैल्यूएशन में डाल दिया, 24,000 का लॉस है जो कि पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पी का हिस्सा 24,000 के ऊपर 3/6, क्यू का हिस्सा 24,000 पर 2/6, एंड इसी तरह आर के लिए 24,000 पर 1/6। ठीक है, 6 × 4 = 24, 4 × 3 = 12,000 इसके अकाउंट में, 6 × 4 = 24, 4 × 2 = 8,000 इसके अकाउंट में, एंड 6 × 4 = 24 पे ये कट होगा तो 4,000 आर के अकाउंट में। क्लियर हो गया, यहाँ पर आपका काम खत्म है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नरेशन। देखिए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, एग्जाम में नरेशन मिस नहीं करनी है, एंड अगर आप वाकई में अकाउंटेंट सीए वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, तो नरेशन मस्ट है। नरेशन के बिना कैसे पता चलेगा कि आपने एंट्री किस चीज़ की है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं केस नंबर 5 में। केस नंबर 5 में देखिए क्या बोलता है कि हमारी मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो हो जाती है 506,000, यानी कि 5,06,000। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या अच्छा हो गया। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट खरीदी थी 5 लाख की, लेकिन आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5,06,000, यानी कि वैल्यू बढ़ गई है। अब अगर वैल्यू बढ़ गई है तो नुकसान तो नहीं हो रहा ना मुझे, उल्टा मुझे तो 6,000 का फायदा हो रहा है ना, 6,000 आई एम गेटिंग, तो मैं क्या करूंगी, क्या मुझे ये रिजर्व यूज करना चाहिए, बताइए।
नहीं ना, क्योंकि ये रिजर्व तो लॉस के केस में यूज होता है, लॉस तो मुझे हुआ ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि रिजर्व सारा का सारा पार्टनर्स में बट जाएगा, और जो आपको रिवैल्यूएशन में फायदा हुआ है, सॉरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो आपकी बढ़ी है, तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन एसेट। और इंक्रीज इन एसेट कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन में कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड पर, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में लिख देंगे और एंट्री करेंगे, देखिए कैसे। घबराने वाली बात नहीं है, आप सोचेंगे मैडम ने पता नहीं क्या क्या बता दिया एकदम से, धीरे धीरे करेंगे। केस नंबर 5, पहली बात, रिजर्व तो यूज नहीं हुआ आपका क्योंकि लॉस हुआ ही नहीं है, तो पहले तो रिजर्व बांट दीजिए। पार्ट ए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 30,000 है पार्टनर्स में, एज इट इज बट जाएगा क्योंकि हमें किसी भी तरह का लॉस नहीं हो रहा। टू पीज कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल, ठीक है। यही वाली एंट्रीज है ना, सेम देखिए, सेम है, तो मैं अमाउंट यहीं से लिख लेती हूँ, 15,000, 10,000 एंड 5,000, क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट देखिए, मैंने आपको क्या बोला सेकेंड पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट में आपके पास वैल्यू थी 5 लाख, अब हो गई है 5 लाख, 6,000 वैल्यू बढ़ गई है, आपको फायदा हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट जाता है रिवैल्यूएशन में, ठीक है। फायदा हो रहा है ना, तो क्रेडिट में लिखेंगे, तो टू रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट में आ गया, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो डेबिट में क्या आएगा, जिस पर फायदा हुआ, यानी कि इन्वेस्टमेंट पर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 6,000, 6,000, ठीक है। 6,000 आया ना फायदा, आपको 6,000 का हुआ है। अब यही जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि खत्म करना है, अभी क्रेडिट में है तो खत्म करने के लिए डेबिट में आ जाएगा, तो एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल। कितने का फायदा है आपको, 6,000 का फायदा हो रहा है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा PQR में, किस रेशियो में, 3:1, हमेशा ओल्ड रेशियो में। ये न्यू रेशियो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दी गई है, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे 3/6 से, तो ये बन जाएगा 3,000, 2,000 एंड 1,000, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज एंड हियर, ठीक है। अब एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स की सारे केसेस मैंने आपको करा दिए, इससे ऊपर कुछ बनता नहीं है, और अगर बनेगा भी तो आप इजीली कर सकते हो क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब आप इसके बेस्ड क्वेश्चंस ट्राई करना, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक्स फ्रॉम मी, थैंक यू।